अभी भी बहुत सारे पब्लिक के माइंड में ये चल रहा है ओरिजिनल वाला विक्रम वेदा ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके देखे या फिर रीमेक विक्रम वेदा थिएटर में जाके बड़ा स्क्रीन में मजे ले या फिर कुछ दिन वेट कर लेते ये भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। फिर दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखेंगे रीमेक और ओरिजिनल, फिर बाद में कंपेयर करेंगे कौन सा बेस्ट है। वेलकम बैक बॉलीस विद मनीष। पहला पॉइंट है, अब दोनों फिल्म को कंपेयर करने से पहले आप ये जान ले इस फिल्म का जो राइटर डायरेक्टर वही है, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वही है, इस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर वही है, ऐसे कि इस फिल्म का जो को प्रोड्यूसर बिल्कुल वही है, बस चेंज किया नाम पर एक्टर और शूट किया गया जगह, फिर से आपका दिमाग में वही चल रहा होगा, बस ये दो चीजें ही देखने में थोड़ा अलग मिलेगा, बाद बाकी तो सेम टू सेम ही है। जबकि ओरिजिनल में विजय सेतुपति का वो नेगेटिव किरदार मास्टर पीस के बाहर निकला था और वही आर माधवन का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, दोनों के बीच में हमें कड़ी टक्कर देखने मिला। उस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था बहुत अच्छा था, उसका बीजीएम हर एक सीन में अंदर से घुसबम फील होता था, उसका एक्टिंग परफॉर्मेंस या फिर डायलॉग हर किसी का दिमाग में छा गया था। 2017 में जब ये फिल्म रिलीज हुआ था तब ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना खास नहीं था इंडिया में, उस टाइम ये फिल्म रीमेक हुआ होता तो शायद ब्लॉकबस्टर हो गया होता। और आपकी बात करूं अभी के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया में सबका दिमाग में राज कर रहा है, कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले अनाउंसमेंट जब होता है तब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लेते भाई ये फिल्म किसका रीमेक चल रहा है, और जल्दी जल्दी से मतलब रिलीज होने से पहले हम उसके ऊपर खिचड़ी पका के हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं भाई कब रिलीज होगा, कब हम कंपेयर करेंगे रीमेक के साथ। जब अनाउंसमेंट हुआ था विक्रम वेदा का रीमेक बन रहा है तब 80% मूवी लवर ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाके ओरिजिनल वाला विक्रम वेदा देख चुका था और अपने दिमाग में ये सवाल लेके बैठा था क्या रीमेक वाला विक्रम वेदा ओरिजिनल वाले विक्रम वेदा से बेटर होगा या फिर मुकेबल गिरेगा, क्योंकि ओरिजिनल वाले विक्रम वेदा में आर माधवन और विजय सेतुपति का जो परफॉर्मेंस था उसका आसपास जाना किसी और एक्टर के लिए नामुमकिन था। और जब रीमेक विक्रम वेदा के लिए कास्टिंग हुआ विक्रम के लिए सैफ और वेदा के लिए ऋतिक, तो मेरा मन में ये ख्याल चल रहा था आई थिंक वेदा के लिए ऋतिक राइट चॉइस नहीं है, सैफ फिट खा जाता, क्योंकि इससे पहले सैफ अली खान बुलेट राजा फिर ओमकार जैसे फिल्म में अपना अलग छाप छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ा डर था, बट मैं गलत था। जब विक्रम वेदा का जो ट्रेजर और टेलर सामने आया वो देखने के बाद कितनों की गलत फहमी दूर हो गया कि भाई वेदा का किरदार के लिए ऋतिक से बेहतर और कोई नहीं है। शॉर्ट में बोलू तो इट्स माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग एटीट्यूड, लुक, लाजवाब टैलेंट इस बंदे के अंदर भर भर के है, बस हर जगह ऋतिक ही ऋतिक। आपको एक ऑनलाइन स्टोरी सुनाता हूँ, कभी कभी आपके घर में दोपहर को दाल बनता है और वो दाल बज भी जाता है तो मम्मी उसे रख देता है घर पे रात के लिए परोस देता है, पर परोसने से पहले थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा झींग थोड़ा सा जीरा स्पाइसी मिलाकर तड़का मारकर फिर खाने के लिए परोसता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये वाला जो रात की दाल है दोपहर वाले दाल से बेटर हो सकता है, टेस्ट भी डिफरेंट थोड़ा अलग भी लगेगा। वैसे ही कभी कभार अच्छा हो जाता है और कभी कभी बेकार हो जाता है, ज्यादा स्पाइसी हो जाता है, पर ये वाला जो दाल है ना बेटर है, मस्त है, स्वादिष्ट है। इस रीमेक विक्रम वेदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसका डायरेक्टर सेम होने के बाद भी इस फिल्म में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो सिर्फ परफॉर्मेंस। ऋतिक वेदा का कैरेक्टर को जिया है लेकिन विजय सेतुपति को फॉलो या फिर कॉपी नहीं किया, एक नया लुक में फ्रेश लुक में नजर आया ऋतिक, इस रियल मैड गैंगस्टर के शक्ल में नजर आए, और वही सैफ अली खान भी पीछे नहीं, दोनों ने अपने किरदार में घुस के कैरेक्टर को ही फाड़ डाला और सबको पसंद भी आया, और जो ओरिजिनल में थोड़ा बहुत कमियां थी इस फिल्म में उसे कमियां को परफेक्ट करने की कोशिश किया गया, और हर एक फिल्म ओरिजिनल वाले और रीमेक वाले अपने अपने जगह में परफेक्ट है, उस टाइम के लिए उस फिल्म परफेक्ट है और इस टाइम के लिए इस फिल्म परफेक्ट है। इनके सब पहले वाले पार्ट देख चुके होंगे तो ये वाले फिल्म जब देखने बैठोगे अब बोल रहा हूँ इंगेज हो जाओगे फुल्ली। और मेरा वीडियो अच्छा लगा फिर मिलेंगे रिव्यू के साथ किसी और फिल्म के साथ।